गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं दिव्य मिश्रा क्लास 7 के इतिहास विषय लेकर आया हूँ। इसमें पढ़ना है हम लोग को मध्यकालीन भारत का इतिहास। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। क्लास 6 में पढ़े थे हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास, और 7 क्लास में पढ़ना है हम लोग को मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और अगले क्लास में 8 में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोग 7 क्लास में पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके 2 कालखंड हैं, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। तो उत्तर मध्यकालीन इतिहास हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसकी अवधि है 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत, और दूसरे में है 1526 से लेकर 1707 तक। इसमें 2 मुख्य राजवंश हैं, एक है मुगल वंश, एक है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के अंतर्गत 5 शासकों ने शासन किया। जैसा कि हम जानते हैं कि गुलाम वंश, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो एक गुलाम थे ना, अर्थात दास, गुलाम का होता है दास। इन्होंने मात्र 4 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद इनके वंशज में जो हो रहा है वो 1206 से लेकर 1290 तक शासन किए। इसके बाद इसमें आता है सेकंड नंबर खिलजी वंश, जो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासन किया। इनके बाद है तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1320 से लेकर के 1412 तक शासन किया था। उसके बाद इस वंश को हराने के बाद सैयद वंश के संस्थापक थे खिजर खान, जो 1414 से लेकर के और 1451 ईस्वी तक शासन किया। और अंतिम जो शासक थे लोदी वंश, इसके संस्थापक थे बहलोल लोदी, जो 1451 से लेकर के 1526 तक शासन किए। 1526 ईस्वी में समाप्ति में इब्राहिम लोदी को हरा करके और बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किया था और अपना मुगल वंश का नींव डाला था। यही है मुगल वंश के संस्थापक बाबर। इसके बाद उनका पुत्र हुमायूं, जो 1529 में पिता की मृत्यु के बाद गद्दी को संभाला और 1547 तक उन्होंने शासन किया। लेकिन ये शासक कुछ कमजोर शासक थे, अतः ये अपने पिता के जो साम्राज्य दिया हुआ था उस अधिक दिन तक नहीं संभाल सके। और इसके बाद बीच में ही हुमायूं की कमजोरी का फायदा उठाते हुए शेरशाह सूरी, जो सूर वंश के संस्थापक थे, उन्होंने 1540 में से लेकर के और 1526 तक दिल्ली में अपना शासन चलाया, जो सूर वंश संस्थापक थे। और इनके बाद पुनः शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के दुर्ग में बारूद के कारखाने में मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद पुनः अकबर ने अपने मुगल वंश को बढ़ाया। मुगल वंश ने अकबर ने 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध किया था और 1656 से लेकर के 1605 तक अकबर ने शासन किया। इसके बाद उसका पुत्र जहांगीर ने 1605 से लेकर के 1627 तक शासन किया और पुनः उसका पुत्र शाहजहां, जो 1628 से लेकर के 1657 तक शासन किया। इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आगरा का ताजमहल इन्हीं का दिया हुआ है। और अंतिम शासन ये पूरे मुगल वंश में थोड़ा क्रूर डाला जाता है इनको, औरंगजेब, जो 1656 से लेकर के 1707 तक शासन किया। इस प्रकार मुगल वंश में मूल 6 बाबर, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। इससे संबंधकालीन भारत के इतिहास जो पढ़ना है, और मुगल वंश के यही 6 जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने शासन किया। इस तरह से आज मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का वर्णन किया। अगले क्लास में और कुछ बताऊंगा। धन्यवाद।